तर्क कर वो फकर जो देता है उरियानी तुझे, ए खुनक वो फकर जो देता है सुल्तानी तुझे। अल हजर उन दोनों से वो जबर हो या हुए सबर, जबर और मजबूर हर दो के लिए है जहरे जबर। जिंदगानी इसकी खूगर सबर की हो जाती है, जिंदगानी उसकी खूगर जबर की हो जाती है। दोनों में जौक सितम यूं और होता है फुजू, है यही हसरत मेरी या लईता कौमी या लमून। तू ऐसे फकर से दूर रहे जो उरियानी देता है, वो फकर मुबारक हो जो सुल्तानी देता है। तू जबर से भी बच और सबर की आदत से भी बच, जाबिर और मजबूर के लिए जबर जहर है, इसलिए कि ये साबिर मुसलसल सबर का आदि बन जाता है और वो यानी जाबिर मुसलसल जबर करने का आदि बन जाता है। यहाँ सबर से मुराद अपनी ग़ुलामी और मजलूमी को मजबूरी समझ कर इसके ख़िलाफ़ कोई कदम ना उठाना है जिससे जाबिर को मज़ीद जबर करने का मौका फराहम होते हैं। ये कैफियत दोनों के लिए जहर है। फिर इकबाल मजीद कहते हैं, दोनों के अंदर जाबिर और मजबूर में जुल्म का ज़ौक बढ़ जाता है। जाबिर में जुल्म करने का और मजबूर में जुल्म सहने का ज़ौक बढ़ जाता है। गोया हकीकत हाल को समझ कर मेरी कौम सब्र और मजबूरी के गलत तसव्वुर से दूर रहती है और यूँ ख़ुद को जाबिर के जुल्म सितम से बचाने के लिए कोई जद्दोजहद और अमल नहीं। या लईता कौमी या लमून, इसके मायने हैं काश मेरी कौम हकीकत को जानती और समझती।